नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि कल का ट्रेंड कैसा रहा था और उसमें कुछ ट्रेंड क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा और किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। देखिए, कल एक गैप डाउन ओपनिंग थी और मार्केट पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड करता रहा, पर रेंज में भी ट्रेड तो ज़रूर चल रहा था, पर यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट पूरे दिन अपने हाई को ब्रेक करने में शायद कहीं ना कहीं फेल हुआ और यहाँ पर एक स्ट्रेंथ बनने की कोशिश हुई थी। मार्केट ने स्ट्रगल किया था ऊपर जाने पर इसने मेरे ख्याल से ये जो हाई लगा था ये शायद ब्रेक नहीं किया, ये थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर का लग रहा है। यहाँ पर इसका 69,140 का मेरे ख्याल से एक हाई रहा था और 68,129 इसका लास्ट ट्रेड प्राइस रहा था और यहीं के आसपास आकर इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। पर एक चीज़ ज़रूर हम देख रहे हैं कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग थी और पूरे दिन नए लोज क्रिएट होते रहे। ठीक है, ये इस तरीके का ट्रेंड रहा, हाइज लगातार नए नहीं बने। यहाँ पर एक ऊपर की स्ट्रेंथ इसने दिखाई थी, उसे अगर हम इग्नोर कर दें तो मार्केट में पूरे दिन लोअर हाइज और लोअर लोज लगते रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा एक सिनेरियो जिस तरीके का बन रहा है वो एक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। अभी हम आगे देखते हैं कि मार्केट किस तरीके का बना रहता है। तो दोस्तों, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा था। 15 मिनट की तरफ अगर हम चलें, यहाँ भी आप सेम चीज़ देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है, पर इस लेवल पे ये मैंने आपको अपने एक मेरे ख्याल से परसों के वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि 71,400 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है और यहाँ से जैसे ही इसमें करेक्शन आई थी मार्केट ने बाउंस करने की कोशिश करी, पर फिर से एक सेलिंग प्रेशर फेस किया और अभी करंटली मार्केट थोड़ा सा उससे काफ़ी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। 68,000 के ऊपर इसने अपना लास्ट ट्रेड प्राइस दिखाया था और अभी अगर मैं बात करूँ तो कॉमेक्स पे सिल्वर ट्रेड कर रही है $26.85, जिसका बिल्कुल ये मतलब है कि सिल्वर के एटलीस्ट अपने लो से तो नीचे खुलेगी ही खुलेगी और अपने लो से कम 300 रुपए के आसपास नीचे ओपन हो सकती है। तो कल का लो था इसका 67,000 समथिंग का, तो 66,800 के अराउंड मेरे ख्याल से इसका एक ओपनिंग प्राइस रह सकता है अभी के हिसाब से। अभी 1 घंटा बचा है मार्केट ओपन होने में, तो तब तक किस तरीके की मूवमेंट रहेगी किस तरीके की नहीं वो हम तभी देखेंगे। तो ये कुछ एक ओवरव्यू है जो अभी तक का सिल्वर में हम बिल्कुल चार्ट्स पे देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं लेवल्स की। देखिए दोस्तों, करेक्शन कंटिन्यू है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शायद अभी आपको एक रेंज में समझ में आ रहा हो, पर अगर हम और थोड़े से लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम देख रहे हैं कि एक डाउन साइड इसमें कंटिन्यू है और यहाँ पर भी अगर मैं इस लाइन को भी ज्वाइन कर दूँ तो इस तरीके का एक हम पैटर्न देख रहे हैं जो ऊपर की साइड जा रहा है। ये कोई बहुत अभी मेजर इंडिकेशन नहीं है कि इसी तरीके का पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा, पर इसमें जिस तरीके का अब ओपनिंग प्राइस रहेगा मार्केट के यहाँ कहीं ओपन होने के चांसेस हैं। तो पहली चीज़ कि ये इस लाइन को भी ब्रेक कर देगा, इस लाइन का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा और इस पैटर्न के कंफर्मेशन के भी अभी कोई ऐसे बहुत बड़े साइन नहीं आया, बहुत छोटा सा एक इंडिकेशन है ये। बहुत और थोड़े से और पॉइंट्स अगर हमें आगे को देखने को मिलते हैं इस तरीके से कि ये जो पॉइंट्स हैं ये ज्वाइन हो रहे हैं और आगे तक, तो इसकी थोड़ी कंफर्मेशन मिलती है। यहाँ भी सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो ये 2 ही पॉइंट हैं, इसमें भी कुछ ज़्यादा अभी एक्सटेंड नहीं हो रहा। तो इस तरीके का स्लोप डाउनवर्ड्स है, मार्केट बार बार लगातार फेस कर रहा है ऊपर की साइड में एक सेलिंग प्रेशर। कल सिल्वर में रेंज काफ़ी छोटी रही थी, जो इसकी एक एवरेज रेंज बन चुकी है उसके कंपैरेटिवली धीरे धीरे आगे के हम टाइम में यही देखेंगे सिल्वर की जो रेंज है वो लगातार छोटी होती चली जाएगी, पर कहीं ना कहीं हमें ट्रेंड का ज़रूर ध्यान रखना है। और अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि 66,800 के अराउंड इसका ओपनिंग प्राइस रह सकता है, तो उसमें देखिए अगर आपकी ऑलरेडी एक सेलिंग की पोजीशन है और आपने वो होल्ड की हुई है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए होता क्या है कि हम मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड कमी करते हैं और इसलिए मैं आपको बताऊँ
सिल्वर में करेक्शन आज काफ़ी अच्छी रह सकती है, पर हमें बेटर लेवल्स भी सेलिंग के लिए मिल सकते हैं। तो इनिशियली अगर आप ये कोशिश करें कि नीचे के लेवल्स पे अगर आप, अब प्रॉब्लम यही आती है कि आपकी एक ही सिल्वर होगी। अगर आपकी मल्टीपल क्वांटिटी हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आधी क्वांटिटी उसमें से एग्ज़िट कर जाएं। आपके लिए जिनकी मल्टीपल क्वांटिटी है उनका ये बेनिफिट ज़रूर उन्हें मिलता है कि वो अपना पार्शियल प्रॉफिट या पार्शियल लॉस इस तरीके का बुक करने में उनके पास ऑप्शन रहता है। अगर उनके पास 5 क्वांटिटी है तो वो 2 या 3 से एग्ज़िट कर सकते हैं ओपनिंग प्राइस पर ही, बाकी को वो रिटेन करें अभी आगे का मार्केट का ट्रेंड देखते हुए कि किस तरीके का रहता है। एक चीज़ एक्सपेक्टेड है कि सिल्वर में एक थोड़ा सा बाउंस आ सकता है, पर वो तब तक कॉमेक्स में कितना बाउंस आ चुका होगा यार, कितनी और गिर चुकी होगी और उस टाइम का क्या सिनेरियो रहेगा, उस पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमें किस तरीके का एक व्यू लेके चलना है आगे को। तो और अगर आपकी एक ही क्वांटिटी है तो आप एग्जिट ही कर जाइए, मतलब फिर तो बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि ओपनिंग प्राइस भी प्रॉफिट हो रहा है तो हम बाकी वेट करें फिर इवनिंग सेशन तक का और मार्केट को स्टेबल होने का थोड़ा सा मौका दें, इस तरीके का हम व्यू लेके चल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हुई। दूसरा कि सेलिंग कंटिन्यू है, अब हम किन लेवल्स का ध्यान रखें। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसे थोड़ा मैं कम करके 15 मिनट का कर देता हूँ। यहाँ आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि आज एक लेवल मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगर वो अगर ब्रेक हो जाता है तो आप सेलिंग भी नहीं करेंगे और बाइंग भी नहीं करेंगे। वो लेवल है 69,000। ठीक है, ये लेवल किसी भी साइड में ब्रेक होता है, सॉरी किसी भी साइड में नहीं, मतलब ऊपर में ही ब्रेक होगा। अगर ये ऊपर में ब्रेक हो जाता है तो आप किसी भी साइड में ट्रेड ना करें। ठीक है, 69,000 का आप वो लेवल समझ के चलिए, ये ब्रेक होता है तो आपने ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, आप मार्केट से बाहर बैठ जाएंगे, क्योंकि फिर मार्केट एक अपनी डायरेक्शन चूज़ करने के लिए थोड़ा सा वेट करेगा और हो सकता है कि कुछ भी ना करे और मार्केट यहीं के आसपास अपना थोड़ा स्ट्रगल करता रहे कि किस साइड मूव करेगा किस साइड नहीं। ओपनिंग प्राइस ये हो सकता है इससे भी थोड़ा सा ऊपर, यहाँ कहीं एग्जैक्ट यार अपने हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो समझ नहीं आ पा रहा, मतलब 66,800 के अराउंड हो सकता है। तो यहाँ जो भी ओपनिंग प्राइस रहेगा ये अगर बाउंस करना शुरू कर देता है सिल्वर और 69,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो आप कुछ भी मत कीजिए, ना बाइंग ना सेलिंग। मार्केट को एक थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगी, पर ऊपर के लेवल में कहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जहाँ रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस है वो लेवल काफ़ी ऊपर है, तो इन बिटवीन ये अगर ट्रेड करती रहती है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक लेवल है जो मैं आप भी आपको बता रहा हूँ कि ये अगर ब्रेक होता है ऊपर की साइड में तो आप कुछ ना करें, और मार्केट के ओपन होने के बाद आप सेलिंग ना करें। मतलब जो फ्रेश ट्रेडर्स हैं उन्हें मैं सेलिंग की अभी एडवाइस नहीं दूंगा, और मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने का मौका दें। हो सकता है 2-3 बजे या इवनिंग सेशन के आसपास एक कुछ ऐसा इसमें एक चार्ट्स पे एक पैटर्न ऐसा बनना शुरू हो कि जिसमें हमें थोड़े क्लियर कट सेलिंग के इंडिकेशन हमें मिलने शुरू हो जाएं, पर किस लेवल पे मिलेंगे किस लेवल पे नहीं ये मैं अभी थोड़ा सा कहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग है और अभी नहीं पता चल पा रहा। अब आइए हम चलते हैं थोड़े से एक लॉन्गर टाइम फ्रेम की तरफ, 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ इस चार्ट पर जो रेजिस्टेंस इसने अभी फ़िलहाल बनाया है ये वाला, ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस की तरीके से ये काम कर रहा है, 71,400। इसे ब्रेक करना सिल्वर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है इस टाइम। मार्केट जो है वो यहाँ कंसोलिडेट ज़रूर हो रहा है, अब इसे अपसाइड मूवमेंट एक और दिखानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है इसके लिए। मार्केट जो है वो कंसोलिडेट हो के यहाँ से एक डाउनवर्ड ट्रेंड ले सकता है और ज़्यादा नीचे के एक लेवल समय दिखा सकता है। अभी आज और कल का हमारे पास दिन है इस हफ्ते, तो कितने नीचे के लेवल समय मिल सकते हैं कितने नहीं उस पर हमारी एक नज़र रहेगी। ये वाला जो लेवल है ये एक्सपेक्टेड है कि शायद ये अगले हफ्ते ब्रेक होगा, या होता भी या नहीं होता वो भी एक अलग बात रहेगी, पर आज और कल में इसका ब्रेक होना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल मुझे लग रहा है,
क्योंकि आज भी इतनी बड़ी एक सेलिंग आनी मुझे मुश्किल लग रही है चार्ट्स पर। कहीं ना कहीं 65 ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा एक सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट का मतलब ही नहीं कि बाउंस कर जाएगा, मार्केट थोड़ा सा एक रुकावट ले सकता है अपनी, जो एक लगातार जो ये ट्रेंड इसका नीचे की तरफ अभी जा रहा है, तो 65 से 64 के बीच में कहीं पर शायद ये लेवल रह सकता है कि जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करे, फिर फर्दर एक डाउनसाइड के लिए उसे थोड़ा सा एक यहाँ पर इन लेवल्स पे कहीं कंसोलिडेट होने का शायद मौका मिले या टाइम लेगा मार्केट। तो इस तरीके का कुछ ट्रेंड आगे में रह सकता है। तो दोस्तों, अगर कुछ भी ऐसा लेवल रहता है मार्केट में जो इवनिंग सेशन के आसपास मुझे समझ में आता है, तो वो मैं अपने चैनल मार्केट रिपोर्ट MCX पे ज़रूर फ्लैश करूँगा, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मार्केट रिपोर्ट 08 पे। तो ये था मेरा सिल्वर पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।